नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपनु स्वागत छे। हूँ छु आपनी साथे झरणा। एलएसी एटले के वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन फरी सरहद विवाद ने वधु सळगावता युद्धनी तैयारी करतु नजरे पड़े छे। चीनना सत्तावार समाचार पोर्टल मुजब चीने बॉर्डरनी नजीक एक अज्ञात स्थले मोटो युद्धाभ्यास कर्यो छे अने आ युद्धाभ्यास में चीने न मात्र रातना युद्ध लड़वानो अभ्यास कर्यो पण रासायणिक अने जैविक हथियारों परीक्षणनो पण अभ्यास कर्यो छे। तेवामां केटलाय सवालो उठी रह्या छे। चीन सरहदे परमाणु हथियारों तैनात कर रही है, मिसाइल रेजिमेंट तैयार कर रही है, हवे रासायणिक हथियारों ने लईने युद्धाभ्यास। त्यारे सवाल थाय के शुं चीन केमिकल वॉर की तैयारी कर रही है। चीनना ऑपरेशन नी इनसाइड स्टोरी। रासायनिक युद्ध नी तैयारी करतु ड्रैगन। लद्दाख थी लई अरुणाचल प्रदेश सुधी 3428 किलोमीटर लांबी एलएसी पर शांति छे। चीन अने भारत नी सेना पोतपोतानी चौकीओ पर पहरो भरी रही छे। एवुं लागे छे के स्थिति सामान्य थवा मांडी छे, પણ હકીકત તે છે કે હજુ પણ એલએસી પર બંને દેશો વચ્ચે તણાવ ઓછો નથી થયો। ચીન તરફથી સતત ભારતને ઉશ્કેરવાના પ્રયાસો થઈ રહ્યા છે। આજની તારીખમાં તિબેટથી લઈ અક્સાઈ ચીન સુધી પીપલ્સ લિબરેશન આર્મીની સૈન્ય હલચલ વધતી જઈ રહી છે। ભારતની નજીક ચીન વાસ્તવિક નિયંત્રણ રેખા નજીક શક્તિ પ્રદર્શન કરી રહ્યું છે, જેનો પુરાવો છે આ તસવીરો। પીપલ્સ લિબરેશન આર્મીના સત્તાવાર પોર્ટલમાં છપાયેલા એક સમાચાર મુજબ ચીનની સેનાએ કોઈ અજાણી જગ્યા પર દિવસ અને રાત્રે યુદ્ધ લડવાનો અભ્યાસ કર્યો, રોકેટ લોન્ચરથી દુશ્મન પર હુમલો કરવાનો અભ્યાસ કર્યો। चीन सेना ने घात लगावी हुमलो करनारी बख्तरबंद सेनाए युद्ध की तैयारियों ने चकासी तो आ युद्धाभ्यास में विस्फोट करनारा इंजीनियरों ने खास बोलावामां आव्या हता। पण सौथी चौंकावनारा समाचार ते छे કે આ યુદ્ધાભ્યાસ દરમિયાન ચીનની સેનાએ પરમાણુ જૈવિક અને રાસાયણિક હથિયારોનો ઉપયોગનો અભ્યાસ કર્યો। ચીનના જવાનની એક ગેસ માસ્ક પહેરેલી તસવીર પણ સામે આવી। કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે ગેસ માસ્ક પહેરીને જવાન ઝેરીલા વિસ્તારમાંથી પસાર થયો। જવાને કમાન્ડ પોસ્ટને સ્થિતિની સૂચના આપી। કમાન્ડ પોસ્ટે રાસાયણિક સુરક્ષા ટુકડી પાસે મદદ માંગી। દુશ્મન પર નજર રાખવાની સાથે સાથે રાતમાં યુદ્ધનો અભ્યાસ કરવામાં આવ્યો। કેટલાય પ્રકારના હથિયારોના ઉપયોગનો અભ્યાસ કરવામાં આવ્યો। એવું ઓછું થયું કે ચીનની સેનાએ પોતાના સત્તાવાર પોર્ટલ પરથી આ પ્રકારના સિક્રેટ યુદ્ધાભ્યાસની જાણકારી આપી હોય। જો કે ચીનની પીપલ્સ લિબરેશન આર્મીએ તે વાત પરથી પડદો નથી ઉઠાવ્યો કે રાસાયણિક જૈવિક અને પરમાણુ હથિયારો સાથે યુદ્ધાભ્યાસ ક્યાં કરવામાં આવ્યો। ખાલી એટલું કહેવામાં આવ્યું કે તિબેટ સૈન્ય વિસ્તારની સિન્થેટિક બ્રિગેડ આ યુદ્ધાભ્યાસમાં સામેલ હતી। આ અભ્યાસમાં ખાસ કરીને રાત્રે વાસ્તવિક યુદ્ધ લડવાની ક્ષમતાનું પરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું। वजह साफ है, चीन हमेशा से अपने भावी युद्ध की जो भी संभावनाएं हैं या युद्ध जिन जिन क्षेत्रों में बढ़ सकता है उसमें एक सुनियोजित तरीके से तैयारी करता है और जी जान लगाकर उसमें लग जाता है। और उसके साथ ही वहां का नेशनल मीडिया इसके प्रचार और प्रसार में भी पूरी तरह से शामिल होता है।
क्योंकि उसका इरादा यह है कि इन ताकतों और तैयारियों के माध्यम से अगर हम दुश्मन के ऊपर साइकोलॉजिकल वॉरफेयर करके अपने एम को अचीव कर पाए तो यह शायद बेहतर तरीका होगा। आ प्रकारना युद्धाभ्यास भारत चीन सरहद नजीक तैयार रहवाना लाल सेनाना नियंत्र प्रयासोनो भाग छे। समाचारोनो मानिए तो एलएसी पर चीने मोटी संख्यामा पोताना सैनिकों ने तैनात कर्या छे। एक अनुमान मुजब हजारों नी संख्यामा सैनिकों हथियारों साथे तैनात छे। पण परमाणु जैविक अने रासायनिक युद्धनो अभ्यास करवो भारत माटे खतरानी घंटड़ी छे। आ वर्षे ज नवेम्बर महीनामां पेंटागोननो एक रिपोर्ट सामे आव्यो हतो। आ रिपोर्टमां अमेरिकाना संरक्षण विभागे कह्युं हतुं के चीन रासायणिक अने जैविक हथियारोना बेवड़ा उपयोग पर रिसर्च करी रह्युं छे। रिपोर्टमां ते कहेवामां आव्युं हतुं के चीन संभवित बेवड़ा उपयोगवाळी जैविक गतिविधिओमां लागेलुं छे। चीननी आ करतूतथी बीडब्ल्यूसी अने सीडब्ल्यूसी ने लई चिंता वधी गई छे। एटलुं ज नहीं, रिपोर्टमां ते पण कहेवामां आव्युं हतुं के चीन पासे 2030 सुधीमां लगभग 1000 परमाणु हथियारो हशे। स्वाभाविक छे के भारत चीन सरहद पर शांति हंगामी छे। चीन कोई पण समय परंपरागत युद्ध साथे जैविक अने रासायणिक युद्धनुं ऐलान करी शके छे। आज कारण छे के चीननो मुकाबलो करवा माटे भारत पोताना सुरक्षा कवचने पहला करता वधु मजबूत बनावी रह्यु छे। चीन के द्वारा युद्ध से तैयारी के लिए किए जाने वाले कामों में कोई भी कमी नहीं आई है। वह चाहे उसका फास्ट पेस इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो, अपने हैवी हथियारों का आगे लद्दाख के इलाके में डिप्लॉयमेंट करना हो, रॉकेट फोर्स का डिप्लॉयमेंट करना हो, मिसाइल्स को डिप्लॉय करना हो, या तरह तरह की और ट्रेनिंग करना जिसमें उसके सभी आर्म्स एंड सर्विसेज पार्टिसिपेट करते हों, हाई एल्टीट्यूड पे ढेर सारे ट्रूप्स को अमास करना, ये सब ऐसी हरकतें हैं जिससे ये नहीं लगता कि वह तुरंत ही किसी शांत की राह की तरफ बढ़ रहा है। अबे तुम्हारे ते समझवू पण जरूरी छे कि रासायनिक हथियारों शू होय छे। रासायनिक हथियार डिलीवरी सिस्टम बॉम्ब के तोपमां उपयोगमां लई शकाय तेवू झेरी रसायण होय छे। सामान्य भाषा में तेने केमिकल वेपन एटले के रासायनिक हथियार कहेवामां आवे छे, जेमां झेरी रसायणनो उपयोग करवामां आवे छे। रासायनिक हथियारोथी आंखना पलकारामां न मात्र लाखो लोकोने मौतने घाट उतारी शकाय छे, पण तेमने अलग अलग बीमारीओथी मरवा माटे छोड़ी शकाय छे। तमने कही दईए के OBCW मुजब आखी दुनियामां कुल 72,304 रासायनिक हथियारो हता, जेमाथी 96% एटले के 69,610 रासायनिक हथियारों ने नष्ट करी देवामां आव्या छे। OBCW कुल 192 सभ्य देशों छे जेमणे सही करी छे, जे दुनियानी 98% आबादीनुं प्रतिनिधित्व करे छे। 14 जान्युआरी 1993 ना रोज भारत पण OBCW सभ्य बन्युं हतुं। पण चीन जेम जेम आर्थिक रीते शक्तिशाळी थतुं गयुं, तेने पोतानी सेनानी ताकातमां वधारो करवा माटे रासायनिक हथियारो विकसित करवानुं शरू कर्युं। ज्यारे पण आ प्रकारना कोई समाचार आवे छे के चीन रासायनिक हथियार बनावी रह्युं छे, त्यारे बेजिंग तरफथी ननैयो भणवामां आवतो हतो। पण हवे ते स्पष्ट थई गयुं छे के चीन न मात्र भारत पण आखी दुनियाने ब्लेकमेल करवा माटे रासायनिक अने जैविक हथियारो बनाववानी साथे तेनुं परीक्षण पण करी रह्युं छे। रासायनिक और जैविक क्षेत्र में चीन लगातार प्रयास कर रहा है। विश्व भर में इस तरह के साधनों का उपयोग करना काफी प्रतिबंधित है, क्योंकि पूरा संसार चाहता है कि रासायनिक और जैविक हथियारों का इस्तेमाल संसार पर न हो, क्योंकि इसके परिणाम बहुत ही गंभीर होते हैं। इन माध्यमों से पूरे संसार में एक संदेशा जाए कि अगर किसी ने चीन के राष्ट्रीय हितों के साथ खिलवाड़ की या उसकी जो नेशनल प्रायोरिटीज़ हैं उसके बीच में आए, तो चीन
कन्वेंशनल युद्ध की बजाय इन शस्त्रों का भी प्रयोग करने में पीछे नहीं हटेगा। चीन अवड़चंडाई नहीं छोड़े, ते पोताना विस्तारवाद वाला एजेंडा पर चालतू रहेशे। पण खतरानी बात ते छे के विस्तारवाद ना एजेंडा पर अमल करवाने लई चीन दुनिया ने एक खतरनाक युद्ध तरफ धकेली रहू छे। चीन एवा घातक अने झेरीला हथियार विकसित करी रहू छे जे मोटी तबाही नू कारण बनी शके छे। तो आ साथे स्पेशल रिपोर्ट मां हाल लेशु एक ब्रेक। चीनो विस्तारवाद विनाश ने दस्तक दे रहो छे। चीने भारत साथे घर्षण में उतरवानी तैयारी शुरू कर दीदी छे। डोकलाम, गलवान और लद्दाख में भारत ने हाथे मार खाता छता पण चीन सरहद विवाद ने हवा आपी रह्यो छे। चीन पहला थी तिबेट में सैनिकों की संख्या वधारवानी साथे मिसाइल रेजिमेंट पण तैनात करी रह्यो छे। आ रेजिमेंट ने त्या तैनात करवामां आवे छे जे विस्तार संभावित युद्ध की आशंका ने लई रणनीतिक महत्व खूब वधारे छे। बॉर्डर पर ड्रैगन नी मिसाइल रेजिमेंट, सरहद पर चीन नी युद्ध नी तैयारी। सी जिनपिंग माओत्से नी विस्तारवाद नी नीति ने आगळ वधारी रहा छे। सी जिनपिंग पाड़ोसी देशों साथे सरहद विवाद ने संग्राम नो आधार बनावी रहा छे। क्यारेक भूतान नी जमीन पर कब्जो तो क्यारेक ताइवान ने लई पोताना आक्रमक वलण ने लई चीन पोतानो भौगोलिक विस्तार वधारवा मांगे छे। एटलुं ज नहीं, चीन भारत ने पण दबावा मांगे छे। सियाळो जामता चीन पूर्व लद्दाख नी नजीक एलएसी ना दुर्गम विस्तारों मा पोतानी सैन्य तैनाती वधारवानी साथे अत्याधुनिक हथियारों नो पण खड़कलो करी रह्यु छे। एक अंग्रेजी अखबार ना रिपोर्ट थी खबर पड़ी छे के चीन एलएसी नजीक नवा निर्माण करी रह्यु छे। सेना ने रहेवा माटे जग्या अने नवा हाईवे तैयार करी रह्यु छे। चीन नी सेना नवी हवाई पट्टी बनावी रही छे। એટલું જ નહીં, ચીને એલએસીની નજીક મિસાઇલ રેજિમેન્ટ તૈનાત કરી છે। ગુપ્તચર સૂત્રોનું માનીએ તો ગયા શિયાળા કરતા આ વર્ષે ચીનની રોડ કનેક્ટિવિટી સારી છે। ચીન ઊંચાણવાળા વિસ્તારોમાં આબોહવા પરિવર્તનને લઈ પણ વધુ અભ્યાસુ નજરે પડી રહ્યું છે। પણ ભારત માટે ચિંતાનું કારણ તે છે કે તિબેટમાં પીપલ્સ લિબરેશન આર્મીએ મિસાઇલ રેજિમેન્ટ તૈનાત કરી છે। અહીં ચીને મોટી સંખ્યામાં ડ્રોન પણ તૈનાત કર્યા છે, જેમાંથી મોટા ભાગના ડ્રોન આ વિસ્તારમાં નજર રાખવા માટે રાખવામાં આવ્યા છે। ઉનકી મદદ કે લિયે વો અપને મિસાઇલ્સ ઓર રોકેટ ફોર્સિસ જો ઉસકી સુપિરિયરિટી હૈ ઇન્ડિયા કી તુલના મે ઉનકો ડિપ્લોયમેન્ટ કરના ચાહતા હૈ તાકી ના ઉનકે માધ્યમ સે વો એક સ્ટ્રોંગ મેસેજ દે સકે બલ્કિ યુદ્ધ કી દૌરાન ઉનકા ઇસ્તેમાલ કરકે ફિઝિકલ કોન્ફ્લિક્ટ કી સંભાવના કો ભી કમ કર સકે। जहां तक ड्रोन्स के डिप्लॉयमेंट का सवाल है, वह हमारी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए उनका इस्तेमाल करता है ताकि हमारी जो ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज हैं या किस एरिया में हम उसके युद्ध की कैपेबिलिटी को नकारना चाहते हैं इस पर वो लगातार नजर रख सके। भारत ने चीनी सेना એટલે पीपल्स लिबरेशन आर्मी ना निर्माण कार्य पर चिंता व्यक्त करी छे। હાલમાં જ બંને દેશો વચ્ચે થયેલી સૈન્ય સ્તરની થયેલી વાતચીતમાં ભારતીય પક્ષે પૂર્વ લદ્દાખમાં ચીન સેનાની ગતિવિધિઓ અને તેના નિર્માણ કાર્ય પર સવાલ ઉઠાવ્યા છે। એટલે ચીનની કરતૂતો પર ભારતની નજર છે। ભારતને ખબર છે કે ચીન ગમે ત્યારે બોર્ડરને યુદ્ધનું મેદાન બનાવી શકે છે। તમને કહી દઈએ કે ચીનના હેકર્સ પણ સક્રિય થઈ ગયા છે। ચીનના હેકર્સે ભારતીય સાઇટો હેક કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો।
सूत्रों मुजब चीन ते शोधवानी फिराक मां छे के भारतीय एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम साथे पोताना फाइटर प्लेन साथे बीजा हथियारों ने क्या क्या तैनात करी रह्यु छे। तेनो सीधो अर्थ ते थयो के चीन ने ते वातनो पण डर सतावी रह्यो छे के भारत रणनीतिक सरसाई मेळवी न ले। चीन ने ते वातनो डर सतावी रह्यो छे के भारतीय सेना एलएसी पर पोतानी स्थिति ने पहला करता पण वधु मजबूत न करी ले। તે સરહદના વિસ્તારોમાં સૈન્ય પ્રતિસ્પર્ધા સાથે ષડયંત્રોની જાળ રચી રહ્યું છે। ઇસ તૈયારી કે તહત કોઓર્ડિનેટેડ તરીકે સે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર કા ડેવલપમેન્ટ સાથ હી સાથ રાફેલ સહિત એડવાન્સ જેટ એરક્રાફ્ટ ઓર લોજિસ્ટિક રિસોર્સિસ કો મોબિલાઇઝ કરને કે લિયે રિક્વાયર્ડ એર રિસોર્સિસ કા ડિપ્લોયમેન્ટ એન્ડ રિહર્સલ આર્મી એન્ડ એરફોર્સ કી ઇન્ટીગ્રેટેડ એક્સરસાઇઝ જો અભી રિસેન્ટ મે વહાં પર કી ગઈ और साथ ही साथ S-14 मिसाइल सिस्टम का प्लान डिप्लॉयमेंट जब वो हमारे पास फिजिकली पहुंच जाती है और ट्रेनिंग अच्छी तरह से पूरी हो जाती है। साथ ही साथ ड्रोन से हम एक इफेक्टिव सर्विलेंस भी कर रहे हैं। ચીને ભારત વિરુદ્ધ પોતાની જમીન હડપવાની નીતિને આગળ વધારી છે। તેને લઈને ચીન સરહદ વિવાદને અંજામ આપી રહ્યું છે, પણ ચીન તે ભૂલી રહ્યું છે કે ડોકલામ, ગલવાન અને પૂર્વ લદ્દાખમાં કેવી રીતે ભારતીય સેના સામે તેને માર ખાવો પડ્યો, કેવી રીતે ચીનની સેનાને ભારતની સેનાએ ખદેડી મૂકી। સ્પેશિયલ રિપોર્ટ અહીં સમાપ્ત કરીશું અને વધુ સમાચારો વિસ્તારથી જોવા માટે આપ જોતા રહો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી। ઓમિક્રોન પોઝિટિવ દર્દી સાજો થયા તો દર્દીના પત્ની